नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज में। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू किया है जनरल साइंस की, उसका आज पार्ट फोर पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक पढ़ेंगे। बहुत ही छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, ध्वनि की चाल क्या होती है? यह है 760 मील प्रति घंटे। ठीक है, ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु क्या है? ये गैसों का मिश्रण है। वायु उदाहरण है किसका? गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की तीव्रता की इकाई यानी इसका मात्रा क्या होता है? इसे डेसीबल। ठीक है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। तो 83 क्वेश्चन देखेंगे। 83 में कह रहा है, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। याद रखिएगा, वर्ष देख के लोग सोचते हैं कि समय का मात्रक होगा, बिल्कुल नहीं, ये दूरी मापने का एक मात्रक है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? 9.46 इंटू 10^12 किलोमीटर, या फिर 9.46 10^15 मीटर। दोस्तों, यहाँ पे जो 1012 लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। एक्चुअली ये है 10^12, ऐसे लिखना चाहिए था। ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर भी जो 1015 है, ऐसा नहीं है, ये 10^15 ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 85 देखते हैं। 85 में कह रहा, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। 86, जड़ों का रूपांतरण क्या है? मूली और गाजर। तने के रूपांतरण क्या है? आलू और प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाई जाती है? पिट्यूटरी या पीयूष, बिकॉज ये माइंड में होती है, और आप जानते हैं आपके शरीर का जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो सब कुछ माइंड से ही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, 91 है, कह रहा है, दो वंशानुगत रोग है, वर्णधाता एवं हीमोफीलिया। वंशानुगत दोस्तों आप समझते होंगे, ऐसे रोग जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, हम उन्हें वंशानुगत कहते हैं। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी भी किसी में वो हो सकते हैं, इनको हम वर्णधाता और हीमोफीलिया को उसको इस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधाता का वर्णन किसने किया? हेरनर ने 1876। वर्णधाता में क्या होता है दोस्तों, लोगों को कलर की समझ नहीं होती है, जिसे अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। 93 क्वेश्चन है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता क्या नहीं होती? हरा एवं लाल रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। 95 क्वेश्चन है, जठर रस में पाया जाता है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 96 क्वेश्चन है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, ये क्या है? कवक और शैवाल। ठीक है, तो आइए देखते हैं 97 क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पे? छोटी आंत में। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या होता है? टाइलिन। तो दोस्तों, ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन आज के लिए। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।